हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए और एक न्यू ट्रेंडिंग वाला वीडियो एडिटिंग लेके आ चुका हूँ। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर इंटर में जो क्रिकेट वाला वीडियो देखे इस टाइप की वीडियो इंस्टाग्राम रील में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको क्रिएट करना है मतलब एडिटिंग करना है तो मेरे छोटे से वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का हम वीडियो जल्द से स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ोन का किसी भी ब्राउज़र को आपको ओपन करना है। जैसे कि हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च वाला आइकन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बींग AI जनरेटर। यहाँ पे इस तरह से आपको सर्च कर लेना है बींग AI जनरेटर, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट पे ये वेबसाइट आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेबसाइट के ऊपर एक बार आपको क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट बिन में यहाँ पे साइन अप कर लेना है, मतलब साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पे मिलेगा 3 डॉट, इसमें क्लिक कर देना है और यहाँ से आप साइन इन कर सकते हो। तो ये चीज़ को आपको सबसे पहले कर लेना है फटाफट, ठीक है। तो साइन इन करने के लिए सबसे पहले आप जीमेल या फिर नंबर से कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा सर्वे आएगा, उसको कंप्लीट कर लेना है, तो जो है साइन इन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और इस जगह पे आपको यहाँ पे लिखना है कुछ इस तरह से वर्ड, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये वर्ड आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद इसी को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है कुछ इस तरह से और इस जगह पर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर 3-4 वर्ड आपको चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर बॉय है, ठीक है। तो अगर आप गर्ल हो तो यहाँ पर आप गर्ल लिख सकते हो, और अगर आप बॉय हो तो यहाँ पर बॉय रख देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जर्सी नंबर यहाँ पे 7 मैंने दिया हूँ, ठीक है। आपको 8 या फिर 1 देना है या फिर कुछ भी आपको देना है, 89 या फिर कुछ भी देना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम देख सकते हो, मेरा नाम है यहाँ पे। तो अगर आपका खुद का नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। कुछ भी नाम आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आपको 3-4 वर्ड जो है आपको चेंज करना है बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में क्रिएट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इमेजेस मिल जाएगा बहुत सारा। तो आपको जो भी इमेज यहाँ पे पसंद है उस इमेज के ऊपर इस तरह से आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको ये सब इमेज पसंद नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट के ऊपर और एक बार आपको क्लिक कर देना है, तो मतलब यहाँ पे जो इमेज है चेंज हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इमेज है, ठीक है। तो आपको जो पसंद है वो इमेज के ऊपर इस तरह से क्लिक कर देना है, या फिर आपको ये वाला इमेज पसंद है तो इस इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद अब क्या करना है, ये इमेज को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे मिलेगा 3 डॉट, इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो फोटो जो है मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद आपको किसी भी एडिटिंग वाला ऐप को ओपन करना है, जैसे कि VN हो गया, इंसर्ट हो गया या फिर कैपकट हो गया, जो आपके फ़ोन में है उस एप्लीकेशन को ओपन कर लें। जैसे कि मैं इनशॉट को ओपन करता हूं, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके पास VN या फिर कैपकट है तो कैपकट से भी कर सकते हो या फिर VN से भी। तो इनशॉट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा वीडियो वाला ऑप्शन, क्लिक कर देना है। न्यू वाला ऑप्शन में जाना है और सबसे पहले फोटो वाला ऑप्शन जाकर उस फोटो को यहाँ पर करना है ऐड, देख सकते हैं मेरा फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है, ओके। उसके बाद अब क्या करना, आपको यहाँ पर बैकग्राउंड वाला ऑप्शन में जाकर सबसे पहले मेरा जो फोटो रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, बैकग्राउंड वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ब्लैक बैकग्राउंड को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और इसका जो रेशियो आपको 9:16 वाला रेशियो में इस तरह से कर लेना है। एंड फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है और फोटो को कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, ये फोटो का ड्यूरेशन है इस तरह से आपको लॉन्ग कर लेना है, जैसे कि 12-15 सेकंड तक कर लेना है, ठीक है। आपका मन जितना सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हो उतना सेकंड का कर ले फोटो का ड्यूरेशन। उसके बाद आप क्या करना है, वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे जाना है, जाने के लिए यहाँ पे अब आपको उसके बाद टीवी में एक वीडियो को ऐड कर लेना है। तो वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ पे मिलेगा PIP वाला ऑप्शन, क्लिक कर देना है, वीडियो वाला ऑप्शन में जाना है और वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो क्रिकेट वाला वीडियो आपको बहुत सारा यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेने और इस जगह पर आपको ऐड कर लेने। उसके बाद क्या करना है, ये जो है वीडियो आपको इस तरह से छोटा करके यहाँ पर आपको सेट कर लेने कुछ इस तरह से, ओके। हल्का सा यहाँ पर क्रॉप कर लेना है, थोड़ा सा एकदम हल्का सा क्रॉप करना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर टिक कर लेने और यहाँ पे आपको सेट कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे मिलेगा एडिट वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देने और यहाँ पे बॉर्डर वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको ब्लैक बॉर्डर यहाँ पे ऐड कर लेना है टीवी के जस्ट यहाँ पे ऊपर में, देख सकते साइड साइड में ब्लैक बॉर्डर। उसके बाद ये बॉर्डर का जो साइज़ है आपको यहाँ पर 10 कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे करना है डन। तो फाइनली गाइस मेरा जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, ओके। तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो को बना सकते हो, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ गाइज। आई होप कि आपको हर एक स्टेप समझ आ गया होगा। सो गाइज कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, साथ में चैनल पे जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इस तरह का और एडिटिंग वीडियो आप सीख सको। एंड वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। एंड अब क्या करना, इस वीडियो को करना है सेव। सेव करने के लिए ऊपर में मिलेगा सेव ऑप्शन, क्लिक करना है, फ्रेम रेट इसको 60 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।